हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं तो अच्छी हूँ। और दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से व्लॉग नहीं गया है, 3-4 दिन नहीं, आज शायद 5वां दिन है। और आप लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे क्यों आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी की जो है वो तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वीडियो और ज़्यादा नहीं आ पा रही थी। वैसे ब्लॉग तो शूट हो रहा था दोस्तों, पर एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। और अभी सुबह का टाइम है, हम नहा के आ चुके हैं, सोना है। और ये पड़ोस के ही चच्ची के जो हैं उन्हीं के बच्चे हैं, तो ये आए थे दूध लेने के लिए। और गाय अभी अभी थोड़ी देर पहले ही लगी थी, तो ले आके ये रख दिया। हम नहा के रसोई में आ गए हैं सीधा किचन का काम संभालने के लिए। और इस सबसे पहले ना दूध को उबाल लेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी हुई, इतनी गर्मी है कि बाप रे, भगवान जी ना पूरी आग बरसा रहे हैं, आग की बारिश हो रही है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। मॉर्निंग में सुबह अच्छा लगता है, और जैसे ही रात होता है तब अच्छा लगता है, वरना पूरा दिन तो इतना बेहाल रहते हैं कि पूछिए मत। दूध को उबाल लेंगे छन्नी से छान करके, और उनको मैंने दे दिया, वो चले गए हैं। सोना को बाल्टी दे दी है, इसमें थोड़ा सा पानी डालने के लिए बोला है, और पानी डाल के इसका जो पानी है दूध का वो हम बाल्टी में डाल देंगे, जिस बाल्टी में हम खरी और चूनी गाय भैंसों के लिए रखते हैं। क्योंकि जो दूध का दूध की जो बाल्टी होती है ना, उसका खंगरावन तक नहीं फेंका जाता है। कहते हैं कि नाली में अगर चला गया तो फिर पानी की तरह जैसे पानी बहता है वैसे इंसान बह जाता है, तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखती हूँ हमेशा मैं। कभी भी दूध के बर्तन का पानी जो है वो खंगाल करके मैं ऐसे कभी नहीं फेंकती हूँ कहीं भी। तो बस उसी चीज़ को मैंने सोना को भी बता दिया, और सोना सो के उठे कुछ देर पहले ही, तो उसको चाहिए गेहूँ का हलवा बना के पहले ही रख दिया था। और इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आधे घंटे तो लग ही जाते हैं, तो इसलिए नहाने से पहले धीमी आंच पे रख दिया था, और हलवा बन रहा था, उधर मैं नहा रही थी। नहा करके आने के बाद फिर सोना को दे दिया है, पूजा पाठ भी हो गया है। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि खाने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। पानी पी पी के ना हालत ख़राब है, पूछे मैं रातों दिन पानी, सो के उठो सुबह तब पानी चाहिए, पानी और पानी। तो पानी से इस टाइम सब इंसान जी रहे हैं, सब इंसान और जानवर, अपना तो ये हाल है, जानवरों का क्या हाल है ये आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे मैं ननुआ लेके बैठ गई हूँ, सोना आराम से खा रही है, अभी लगता है पापा के पास बाहर बैठा हुआ है, तो कल शाम को ही लेके आए थे ये मार्केट से। और नहाने के बाद आज सीधा हमने ये वाली साड़ी डाल ली है, वैसे थोड़ी सी मोटी है, इस गर्मी में ऐसी साड़ी पहनने का जो है वो रीज़न भी कुछ है, वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा किस लिए मैंने पहनी है इस साड़ी को। और कल हमारे गांव में थी सब्ज़ी की बाज़ार लगी थी, तो ये थे नहीं, कहीं चले गए थे, काम था इनको बहुत ज़रूरी, घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब आलू तक नहीं था। कहते हैं ना कि अगर आलू घर में हो तो कुछ भी मिला के, मतलब जैसे तैसे करके सब्ज़ी तो बन ही जाती है, काम तो चल ही जाता है, कुछ ना खाने का मन हो कितना भी, लेकिन अगर बन गई तो फिर रोटी के साथ चावल के साथ को मतलब भोजन तो हो ही जाएगा। अगर कुछ नहीं है, आलू भी नहीं है, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि करे तो क्या करे। एक बार मेरा मन हुआ कि चलो बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर जैसे ही मेरे मुंह से निकला, सोना ने कहा नहीं, हमें बेसन की सब्ज़ी नहीं खानी है। तो दोस्तों जो है आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, पिछले करीब 10 दिन पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने मावा तैयार किया था खुद की गाय के दूध का चूल्हे पे, तो उस मावे को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, और कुछ मावे मैंने यूज़ कर लिए थे बर्फ़ी बना के जो आप लोगों को दिखाया, और कुछ मावे बाकी रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसका काला जामुन बना लेते हैं। गुलाब जामुन तो कई बार मैंने बनाया है, और काला जामुन एक बार भी नहीं बनाया है, बड़ा मन था काला जामुन बनाने का, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज काला जामुन बनाएंगे। तो इसका मेज़रमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 250 ग्राम हमारा होगा मावा, क्योंकि दोस्तों तवला तो है नहीं, खुद घर में बनाया और आधा यूज़ कर लिया आधा रखा हुआ है, तो करीब अपने हिसाब से बता रही हूँ। और फिर उसके लिए ये चाशनी मैं तैयार कर रही हूँ, और उसमें ना
आधा किलो पानी, 2 ग्लास 250 ग्राम का, 250 ग्राम का ग्लास था, 2 ग्लास पानी डाला। और ये जो पौआ देख रहे हैं आप, इसी से मैंने 2 पाव डाल दिया है चीनी, यानी कि आधा किलो चीनी और आधा किलो पानी दोनों प्रॉपर मात्रा में डाल दी है। और धीमी आंच रख के चाशनी को छोड़ देना है, आराम से पकने देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और इधर जो हमारा मावा है ना, ये फ्रीज में रखा हुआ था, बीच बीच में मतलब गट्ठे जैसे बन गए हैं फ्रीज में रखे होते हैं तो, और इनको निकाले हुए काफ़ी टाइम हो गए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लेकिन गांठें बंध जाती है ना जब कोई चीज़ हो जाती है पुरानी, पपड़ी जैसी पड़ गई है, तो इसलिए मैं इसको ना ये जिससे अदरक ना कद्दूकस करते इस तरह से मैंने स्क्रब कर लिया है इसको इस तरह से, और बड़ी आसानी से हो रहे थे, बड़े अच्छे भी लग रहे थे। बस क्या था ना दोस्तों, इसमें ना निकल रहे थे घी निकल रहे थे, क्योंकि घर का बनाया शुद्ध बिल्कुल शुद्ध मावा था, तो इसलिए इसमें से ना घी निकल रहे थे। और गाय हमारी जो है वो पुरानी, उसका वो दूध पुराना हो चुका है, जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे घी ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसमें घी भी निकल रहा था ज़्यादा, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि ये बन नहीं रहा था। और ये इलायची है, 4 से 5 इलायची मैंने लिए, इनको कूट करके इसका जो पाउडर है ना वो निकाल लेंगे, सिलबट्टे पे नहीं गए, ये खलबट्टे से ही हमने काम कर लिया है। तो ये देखिए जो कद्दूकस करके हमने रखा था मावा ना, इसमें डाल लिया है हमने इलायची, और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा 250 ग्राम है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों के लिए हम इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी ले आते हैं, आप लोग देखते नहीं हो तो आप सबके लिए ही लाते हैं दोस्तों, किसी और के लिए थोड़ी लाते हैं, किसी और के लिए थोड़ी इतना परेशान होते हैं, अपने भाइयों बहनों और माँ बाबू जी के लिए इतना परेशान होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाते हैं इतनी गर्मी में मेहनत करके। तो आप लोग देखा कीजिए, आप लोग क्यों नहीं देखते, आप लोगों को मैं छोटी छोटी टिप्स भी देती रहती हूँ बीच बीच में। और 2.5 चम्मच हमने मैदा मिला के अच्छे से उसको खूब मेहनत की थी दोस्तों, खूब मेहनत, और फट जा रहा था। जैसे मैं बनाती गुलाब जामुन को गोला नहीं बनता, जैसे आपको चिकने दिख रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं बन रहा था, क्योंकि बार बार फट जा रहा था, इतना ज़्यादा घी था ना, घी की वजह से फट जा रहा था, और मावा भी करीब 10-12 दिन का हो गया था, इसीलिए नहीं बन रहा था। फिर मैंने क्या किया, उसमें 2 चम्मच और डाल दिया था मैदा, और उसमें पानी के छींटे मार मार के बिल्कुल आटे की डो की तरह बनाया, आटे की तरह एकदम हाथों से लगाया, जोर लगा के, मतलब लंबे टाइम तक मैं उसको मलती रही। फिर उसके बाद पानी के छींटे आप मार सकते हो, अगर नहीं बन रहा है आपका तो इसी तरह से मैंने ट्राई किया है, नहीं बन रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, मुझे लगा मेरी चाशनी अब तो ख़राब हो जाएगी, पर किसी न किसी तरह से मैंने संभाल लिया है, बना लिया है जैसे तैसे करके। और फिर गोला गोला बना के छोटे छोटे मीडियम साइज़ के मैंने इसके बनाए हैं। इधर चाशनी भी देखी बन के रेडी हो गई, एक तार बनाना है इसका, वो भी ठीक से तार ना बनने पाए, अगर तार ज़्यादा थिक हो जाएगी एक तार तो फिर क्या होगा कि मतलब कि चाशनी ना गाढ़ी हो जाएगी, बस हाथों में चिकना जैसे शहद होता है ना, शहद से थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद बिल्कुल वही रूप में आ जाता है। और ये देखिए काला जामुन बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बार बार दोस्तों लाइट आ जा रही है, इसलिए अंधेरा आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए साइज़ बिल्कुल एक सी मैंने बनाई है, एक साइज़ के सारे मैंने गुलाब जामुन ही निकल रहे हैं, जबकि मैं काला जामुन बना रही हूँ, तो सबकी जुबान पर गुलाब जामुन होता है ना, इसीलिए तो एक घाने का निकल गया है और एक घन का मैंने डाल दिया है। और ये करीब से देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ये फटा है जैसे आपको दिख रहा है, वैसे करीब से दिखेगा और दूर से देखने में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और जो हलवाई लोग होते हैं ना, वो इसी तरह किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, और मैंने भी आज किसी न किसी तरह से मैनेज किया, मैं तो हार गई थी, मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि आज मेरा गुलाब जामुन बनेगा। और देखिए इसमें घी, मैं करीब से आप लोगों को दिखा रही हूँ घी, देखिए इसमें 2 मिनट हो गए होंगे इसको बना के रखे हुए, इसलिए इसमें घी इतना आ गया है। और जिस जगह पे गुलाब जामुन पड़े थे ना, उस जगह को आप गौर से देखिए कितने घी निकले हैं, अब इतने घी निकले हैं ऐसा लग रहा है घी में डाल के मैं इनको निकाल के यहाँ पर रखी हूँ, कुछ ऐसा इसका हाल है, तो इसीलिए नहीं बन रहा था ये, पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने बना लिया है। और इधर एक घन का निकाल के डाल दिया है, दूसरा घन बन इसी में डाल दिए हैं, क्योंकि ऑयल जाता था ना, तो फिर मैंने डाल दिया है, और इससे ना भी चिपकने के चांस भी नहीं रहेंगे, ऐसे करके बीच में डाल के चम्मच हिला देंगे और ये सब भी हिल जाएंगे, ये देखिए, तो इसमें प्रॉब्लम कम रहेगी। और जैसे ही ये मुझे लग जाएगा कि हाँ हो गया है, तो पहले वाला निकाल लेंगे और जो अभी का है फिर उसे ऐसे ही स्लो आँच पर निकाल लेंगे धीरे धीरे। और करीब 4 से 5 मिनट लगते हैं एक घान काले जामुन निकालने में, तो अभी आराम से हो रहे हैं, बिल्कुल सिलो आँच करके ही रखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है, कभी भी आँच को तेज़ नहीं करना है गैस को। तो ये देखिए आराम से, ये देखिए कैसे हो रहे हैं,
अभी वैसे सबको एक साथ डालती ना काले वाले को निकाल के, तो ये शायद चिपकता भी, पर अभी चिपकने के चांस बिल्कुल नहीं है क्योंकि इनके साथ ये ऐसे करके हिल जा रहा है। तो अच्छा हुआ कि साथ में ही डाल दिया मैंने, पलटते जाएंगे इनको एक एक करके, थोड़ा थोड़ा हिला भी देंगे। ये देखिए दोस्तों, दूसरे घान का भी काला जामुन हमने इस तरह से बना लिया है और करीब 20 से 22 से 23 पीस तैयार हुए हैं। और मतलब एकदम मस्त, मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक घंटे के बाद इसे मतलब फोल्ड करके काट करके एक घंटे बाद बना के आप इसे खा सकते हो। मतलब जल्दी में बना रहे हो ना, 2-3 घंटे पहले आप बना लो, 2-3 घंटे बाद ये बहुत आसानी से फूल जाता है। वैसे तो गुलाब जामुन को रात भर के लिए रखा जाता है, हलवाई लोग रात भर के लिए बनाते हैं, जैसे हमारे घर में कोई शादी वगैरह हुई तो एक दिन पहले आके बना देते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद आराम से आप खा सकते हो। देखिए ठंडा हो चुका है और 1 से 1.5 घंटे हो गए होंगे, चाशनी एकदम परफेक्ट आई है 250 ग्राम मावा के लिए, देख लीजिए आप। और इसमें से कुछ कम भी हुए हैं, मैंने पड़ोस में किसी को दे दिए हैं 2-4 निकाल के, तो इसलिए कम दिख रहे होंगे आप लोगों को। और ये देखिए प्लेट में निकाल के हमने दिखा भी दिया आप लोगों को। अब थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं फोड़, यानी कि चम्मच से काट के, और धूप आ रही है बाहर से खिड़की से, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसा दिखा होगा आप लोगों को। और ये देखिए सोना को खाना है, सोना पहले गुलाब काले जामुन खाएंगी और फिर बताएंगे। खा के बताओ कैसा है, फूला है, दिखाना खा के, आधा इधर दिखाओ, खा के दिखाओ इधर। ये देखिए मैंने तो आप लोगों को दिखाया भी नहीं, तोड़ के। यम्मी है, यम्मी है।